दोस्तों, जैसा कि आपके कमेंट आ रहे थे कि साउथ पोल मैग्नेट चार्जिंग मिलेगी या नॉर्थ पोल मिलेगी या सिंगल साइड मिलेगा या दोनों साइड मिलेगा, तो इसी को लेकर मैंने एक वीडियो बनाई है। ये रूटर का मैग्नेट है, ये रूटर होता है बैटरी रिक्शा का, इसी का ही मैग्नेट होता है। तो ये जो है हमारा, ये एक तरफ से मैग्नेट है साउथ पोल, ठीक है। अब इसमें हम अगर ये नॉर्थ पोल लगाते हैं तो नॉर्थ पोल ये जैसे दे रहे हो, इधर गड्ढा दिखाई दे रहा हल्का सा, ठीक है, ये गड्ढा है, इधर उठा हुआ है। तो दूसरा जो नॉर्थ पोल का होगा ना, तो नॉर्थ पोल इधर से चिपकेगा, ना कि इधर से, ठीक है, इधर से चिपकेगा ही नहीं, तो इधर से ये चिपकेगा, ठीक है। ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया हमारा, तो दोनों तरफ उठा हुआ रहेगा, ठीक है। अब हम साउथ में साउथ चिपका के दिखाते हैं। ये साउथ पोल है, ये भी हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो ये दोनों एक तरफ से ही चिपकेंगे, ठीक है, ये दोनों एक तरफ से ही चिपकेंगे, ठीक है। इधर भी गड्ढा है, ये गड्ढे में गड्ढा इसमें अंदर चला गया, ठीक है, इधर नहीं है। तो इस तरीके से ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। साउथ पोल नॉर्थ पोल जो होंगे वो दोनों तरफ से अलग अलग से चिपकेंगे, और जो एक ही साइड का होगा वो एक ही साइड से चिपकेगा। अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि रूटर में किस तरीके से मैग्नेट लगती है, ठीक है। ये हमारा साउथ पोल है, ये अंदर से इधर यहाँ चला जाता है पूरा, ठीक है। ये रूटर थोड़ा खराब है तो इसको जो है सफाई करनी पड़ेगी, तो सफाई करने के बाद इसमें ये अंदर फिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम ऊपर लगा के दिखा देते हैं आपको, एक साउथ पोल ये लग गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद जो है ये हमारा नॉर्थ पोल का मैग्नेट है, नॉर्थ पोल का हमारा मैग्नेट वो यहाँ पे चिपक जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है फिर हमारा साउथ पोल आएगा, ठीक है। तो ये साउथ पोल का जो मैग्नेट है फिर हमारा यहाँ पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा मैग्नेट चिपकते चले जाएंगे, ठीक है। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, ठीक है। तो ये साउथ और ये नॉर्थ, ये भी नॉर्थ, ठीक है ना। तो साउथ नॉर्थ हो जाएंगे सब। तो इस तरीके से ये रूटर बनता है, तैयार होता है, इस तरीके से ये चलता है। आई होप कि इस वीडियो में आपको जो है साउथ और नॉर्थ पोल का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए बनाते रहें।